हेलो बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है पेटल, उसके लेसन नंबर 3 इन द जू, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और इसे प्रीवियस लेसन के एक्सप्लेनेशन हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर ले, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार, द वेदर वॉज क्लाउडी, मौसम बादलों से घिरा हुआ था। अरुण अलॉन्ग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा विजिटेड द जू। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। एज दे, जैसे ही वे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू, चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुँचे, दे सा, उन्होंने देखा, अ ह्यूज क्राउड, एक भारी भीड़। जैसे ही वह चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने भारी भीड़ देखा। सम पीपल, कुछ लोग, वर बाइंग, खरीद रहे थे, एंट्रेंस टिकट, प्रवेश के लिए टिकट। वाइल अदर्स, वहीं दूसरे लोग, वर रिलैक्सिंग, आराम कर रहे थे, इन द शेड ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छांव में। तो कुछ लोग वहां पर एंट्रेंस की टिकट खरीद रहे थे और कुछ लोग वहां पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। एज दे, जैसे ही वे एंटर द जू, चिड़ियाघर में प्रवेश किया, जैसे ही उन्होंने चिड़ियाघर में प्रवेश किया, नेहा कहती है, आई एम स्कैर्ड टू गो इनसाइड द जू, मैं चिड़ियाघर में जाने से डर रही हूँ, यानी कि मुझे चिड़ियाघर में जाने से डर लग रहा है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू, कि हम चिड़ियाघर के जानवरों के द्वारा हम पर आक्रमण किया जा सकता है। अरुण कहता है, डोंट वरी नेहा, नेहा चिंता मत करो, इन द जू, चिड़ियाघर में, सम एनिमल्स, कुछ जानवर, आर केप्ट इन द केज, पिंजड़े में रखे जाते हैं, एंड सम आर केप्ट इन द एरिया, और कुछ ऐसे क्षेत्र में रखे जाते हैं, सराउंडेड बाय द वैरियर्स, जो कि वैरियर्स से घिरे होते हैं। लुक, देखो, देर आर सो मैनी एनिमल्स हेयर, देखो यहाँ पर कितने सारे जानवर हैं। नेहा कहती है, ओह यस, हाँ, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, मैं सबसे पहले जिराफ देखना चाहती हूँ। वेयर इज द जिराफ, जिराफ कहाँ पर है? अरुण कहता है, सी, देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस, जिराफ चार दीवारी के पास में है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इसके पास एक लंबी गर्दन है। नेहा कहती है, ब्रदर, भाई, लुक एट द मंकीज, बंदरों को देखो। अरुण बोलता है, यस, हाँ, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज, बंदर पेड़ के ऊपर और नीचे झूल रहे हैं। नेहा कहती है, ओ माई गॉड, हे भगवान, लुक एट द टाइगर, चीते को देखो। अरुण कहता है, इट्स ऑन द रॉक, वह पहाड़ी पर है। नेहा कहती है, लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, चीता पहाड़ी से नीचे आ रहा है। इट हैज स्ट्राइप ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर धारियां हैं। वेयर इज द लायन, शेर कहाँ है? अरुण कहता है, सी, देखो, द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, शेर अपनी गुफा के सामने है। इट लुक्स सो पावरफुल, यह बहुत शक्तिशाली दिखता है। इट इज स्लीपिंग, यह सो रहा है। नेहा, वाव, लुक एट द पिकॉक, नेहा कहती है, वाव, मोर को देखो। अरुण कहता है, इट इज़ डांसिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में नाच रहा है। नेहा कहती है, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, उन पीली चिड़ियों को देखो। अरुण, यस, हाँ, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, वे चिड़ियाँ पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, क्या तुम एक बच्चा हिरन को पेड़ के पीछे देख सकती हो? नेहा कहती है, ओ यस,
ओ हाँ, एंड लुक, और देखो, देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्राज, वहाँ पर एक जेब्रा का परिवार है। अरुण, यस डियर, हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग, बच्चा जेब्रा खेल रहा है, बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, माँ जेब्रा और पिता जेब्रा के बीच में, दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज, और उन सभी के शरीर पर ब्लैक और सफ़ेद, यानी कि काली और सफ़ेद रंग की धारियां हैं। दे सा अदर एनिमल्स टू, उन्होंने दूसरे जानवरों को भी देखा, एंड एंजॉयड वेरी मच, और खूब आनंदित हुए। व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो गई, दे केम आउट ऑफ द जू, वे चिड़ियाघर से बाहर आए, एंड बोर्डेड द बस, और बस पर सवार हो गए। तो बच्चों, ये इस पूरे चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम लोग चल रहे हैं वर्ड मीनिंग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर का अर्थ होता है मौसम। विजिटेड, विजिटेड मतलब होता है भ्रमण के लिए गया। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार। रिलैक्सिंग, आराम कर रहे हैं। सराउंडेड, घिरा हुआ। स्विंगिंग, झूल रहे हैं। बिहाइंड, पीछे। बोर्डेड, सवार हुए। विजिट मतलब, देखिए विजिटेड यहाँ पर लिखा है, यहाँ विजिट लिखा है, तो ये विजिटेड जो है विजिट का सेकंड फॉर्म है। विजिट मतलब होता है भ्रमण, और विजिटेड मतलब भ्रमण के लिए गया, और यहाँ बोर्ड होता है सवार होना, और बोर्डेड मतलब सवार हुए। तो ये इस पूरे चैप्टर की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।